हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर कपिल। एसबीआई क्लर्क सैलरी आफ्टर 30 इयर्स और इसमें जेआईबी एंड सीआईबी क्लियर्ड है, तो 3 इंक्रीमेंट्स एडिशनल लगे हैं। तो इसका जो अर्निंग्स है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे की। इसका बेसिक पे है 65,830 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस से 27,877.87 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस HRA है 7,480.45 रुपीज़, फिक्स्ड पर्सनल पे करके इसमें कुछ मिलता है, यह है 2,265 रुपीज़, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे है 3,500 रुपीज़, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 600 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस है 10,796.12 रुपीज़, और एक स्पेशल पे न्यू है, ये जो अभी सेटलमेंट हुआ था इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 3,650 रुपीज़। तो जो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स है वो होगी 1,21,999.44 रुपीज़। ये रीसेंट सैलरी स्लिप है, मैंने आपके साथ स्लिप शेयर नहीं किए, लेकिन ये जो स्लिप है उसी में से मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम बात करें डिडक्शंस की, तो इसमें एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है 7,497 रुपीज़, और इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है 17,229 रुपीज़। तो जो टोटल डिडक्शन से वो है 24,726 रुपीज़। अब हम नेट अर्निंग्स की बात करें, तो नेट अर्निंग्स जो अकाउंट में आएगी वो है 97,273.44 रुपीज़, जो एक बहुत ही अच्छी इनकम है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी होम टाउन में पोस्टेड रह सकते हैं पूरे लाइफ टाइम। आपका प्रोबेबिलिटी तो यही होगी कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर आपकी सिटी में एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो आप लाइफ टाइम अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, आप अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं एसबीआई क्लर्क में, अगर आप प्रमोशन ना भी लें तो। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की, तो जो मंथली अलाउंसेस होते हैं उसमें पेट्रोल मिलता है 20 लीटर्स, न्यूज़पेपर में 360 रुपीज़ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 360 रुपीज़ है। तो टोटल मंथली अलाउंसेस होंगे 2,720 रुपीज़। एनुअली आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो होता है 2,355 रुपीज़। और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है, आपको हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, आपको LFC मिलता है, अगर आप कैश ऑफिसर हैं या आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो हम इसकी जो एनुअल CTC है या आपका एनुअल पे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग्स 1,21,999.44 × 12 योगा 14,63,993.28 रुपीज़। इसमें जो PF है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, तो ये ईयरली होगा 89,964 रुपीज़। मंथली अलाउंसेस थे 2,720 × 12 दैट इज़ 32,640 रुपीज़, और एक एनुअल मेडिकल भी था 2,355। तो जब इन सभी का हम टोटल करेंगे तो ये होगा 15,88,952.28 रुपीज़, जो अप्रॉक्सीमेटली 15.90 लाख होता है, जो एक काफ़ी अच्छी इनकम है। आप अपने घर में रह के, अपनी फैमिली के साथ रह के बहुत ही एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, और ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है। आप खुद सोचिएगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो इनकम इंक्रीज़ ही होगी, ये डिक्रीज़ नहीं होगी, तो ये बहुत ही एक अच्छी इनकम है। मैंने आपके साथ न्यू जॉइनी की सैलरी स्लिप भी शेयर की थी, तो जब न्यू जॉइनी आप SBI को, पहले साल आपकी सैलरी होगी 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख। मैंने आपकी SBI क्लर्क आफ्टर 5 ईयर भी शेयर की है, उसमें होता है अप्रॉक्स 6.5 लाख। तो आप खुद देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं फर्स्ट सैलरी, आफ्टर 5 ईयर सैलरी और आफ्टर 30 ईयर सैलरी को कंपेयर करके कि कैसे कैसे सैलरी में इंक्रीज़ होता है। और अगर आप JIB और CIB क्लियर करते हैं तो आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है, जो इस सैलरी स्लिप में मिला हुआ है, कि जो दोनों सैलरी स्लिप मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ से जाके कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसी टाइप की और सैलरी स्लिप्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।